हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर ओप्पो मोबाइल में प्ले स्टोर से कोई ऐप अपडेट नहीं हो रहा है, कैन नॉट अपडेट वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो कैसे सही करें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर आपको आ जाना है थोड़ा नीचे और यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगी ऐप मैनेजमेंट या ऐप मैनेजर नाम का, जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं। तो दोस्तों आपको इस सेटिंग पे क्लिक करना है, फिर सबसे ऊपर ऐप लिस्ट या मैनेज ऐप का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है तो लोडिंग होकर सभी ऐप्स आ जाएंगे यहाँ पर। अब देखिए सर्च बार में क्लिक करके लिखना है प्ले स्टोर, तो यहाँ पर प्ले स्टोर आ जाएगा, प्ले स्टोर पे क्लिक करना है। फिर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से क्लियर डेटा और ओके कर देना है। फिर गाइस बैक आना है, फिर आपको गूगल प्ले सर्विसेज मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना है, इसका लोगो देख लीजिए। फिर स्टोरेज यूजेज और यहाँ से इसे भी क्लियर डेटा आपको कर देना है। देखिए क्लियर डेटा और ओके कर देना है, फिर बैक आना है। अब गाइस क्या करना है, मोबाइल के होम स्क्रीन पे आना है और देखिए सेटिंग में जाने के बाद अगर ऐप मैनेजमेंट यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आप सर्च बार में क्लिक करके लिखेंगे ऐप, तो यहाँ पर ऐप लिस्ट या ऐप मैनेजमेंट मिल जाएगा, आप क्लिक करके चेक कर लेना और फिर यहाँ से भी आप कर सकते हैं। फिर गाइस अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है या रिबूट या रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है और अब जो ऐप अपडेट करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करना, तो मैं इस पर क्लिक करता हूं और अभी आप देखना यहां पर, तो यहां पर आप देख सकते हैं अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है, पूरा इंस्टॉल हो जाए वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस यार एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए। देखिए इंस्टॉल हो रहा है, अभी इंस्टॉल हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है, ओपन करके यूज कर सकते हैं। इस प्रकार आप किसी भी ऐप को कर सकते हैं, प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।